ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसे बाबा ने कहा, आज हम अमृत वेला में शाकाहारी सोआकारी आकारी सो निराकारी स्थितियों का अनुभव करते हैं। सभी सीधे होके बैठ जाएं, अलर्ट, सबसे पहले मस्तक के बीच चमकता हुआ प्रकाश पुंज साकार देह में निराकार आत्मा साकार में निराकार स्थिति में स्थित हो जाए। देह में होते भी चेतना मस्तक के मध्य हो, मैं एक प्रकाश स्वरूप अदृश्य शक्ति आत्मा पंद्रह मिनट के लिए संपूर्ण साइलेंस में अपने स्वरूप को महसूस करें। साकार देह में निराकार आत्मा
अति सुंदर धीरे धीरे मस्तक में टिकने का यह अभ्यास स्वयं को प्रकाश देखने का अभ्यास पांच तत्वों की दुनिया में रहते भी स्वयं के स्वरूप में टिकने का अभ्यास सभी को आत्मा देखना खुद को भी आत्मा समझना अब इस अभ्यास को पक्का करते चलना है। चलिए अभी 10 मिनट के लिए अगली अवस्था की ओर चलते हैं। साकारी से आकारी स्थिति की ओर चलें। मैं प्रकाश के शरीर में सूक्ष्म आकारी फरिश्ता प्रकाश का चमकीला शरीर चमकीले लोक में अव्यक्त बाबा के पास बाबा से वरदान लेते हुए दस मिनट आकारी फरिश्ता बन जाए।
चलिए अभी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आकारी लोक से निराकारी धाम की ओर अपने मूल अनादि स्वरूप की ओर चले 10 मिनट। आकारी देह से निकल निराकारी बिंदु बन जाए। मैं बिंदु बाप बिंदु दोनों निराकार हे आत्मन हे तपस्वी हे विश्व कल्याणकारी अब ये अभ्यास तुम्हारे लिए सहज हो जाने चाहिए। आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाले हैं, ये अभ्यास बहुत काम आने वाले हैं।
चली लाल परम धाम से उतरकर धीरे धीरे फिर से अपने आकारी में निराकारी योगी स्वरूप में अवतरित हो जाएं। मस्तक के बीच स्थित होकर देह से न्यारा महसूस करें। अभी एक सेकंड में फरिश्ता स्थिति में चले जाएं। अभी एक सेकंड में बिंदु बन जाए परम धाम में। अभी एक सेकंड में फिर से देह में आ जाए। अभी एक सेकंड में बिंदु बन जाए। अभी एक सेकंड में फरिश्ता बन जाए। अभी एक सेकंड में आकारी में निराकारी एक सेकंड में निराकारी बिंदु।
फरिश्ता, बिंदु, साकार में निराकार, वापिस बिंदु, शांति। चलिए जो लंबे समय से बैठे हैं मीठे भाई बहने, फरिश्ता वॉक लेकर आ सकते हैं, पहले बताएं कैसा रहा आज का ये अभ्यास, आकारी सो निराकारी, साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी।
एक सेकंड में स्थिति बदलने का अभ्यास। अपना अनुभव बताएं। जो भाई बहन अभी अभी जुड़ रहे हैं, कृपया मस्तक में एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। धीरे धीरे अभी हमें अमृत वेला रूहानी आर्मी को और ही गहनता में जाना है, इसलिए वैसे ज्यादातर को अभ्यास हो गया है, फिर भी कोई कोई भाई बहन नए जुड़ते हैं, परंतु उन्हें तेज कदम चलना है। अब ज्यादा कमेंट्रीज, ज्यादा मदद ज्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी मदद के साथ आपको कदम तेज बढ़ाने हैं। समय कम है, इसलिए जितनी मदद की जा रही उतने में स्थिति ऊपर उठानी है। 15 मिनट कहा तो कैसे भी करके 15 मिनट बैठाना है, इस मन को मनाना है। आधा घंटा, 1 घंटा कहा, 1 घंटा बैठाना है। जितना दृढ़ संकल्प रचोगे डायरेक्ट भगवान की मदद आएगी। हिम्मत रखनी है। नींद आ रही है तो अपने आप को सटका लगाओ, कितना सोओगे और कितना सोओगे, 63 जन्म सोए हो, 63 जन्म सोए हो, संगम भी सोकर बिता दिया है, भगवान सामने आया है, भगवान वरदान दे रहा है और हम सो रहे हैं। अगर रात्रि में विश्राम किया है और फिर नींद आ रही है तो अपने आप को सटका लगाओ, चमाट लगाओ अपने आप को, चूटी काटो अपने आप को, कड़वा तेल डालो, पंखे में चुटिया बांधो, बाहर घूम के आओ, कॉपी पेन लेकर लिखो, खड़े होकर बाबा के सामने योग करो, बाबा की नजरों में नजरें डालो, बाबा से प्रतिज्ञा करो, कुछ तो करो। क्यों नींद को जीतने देते हो? संकल्प दृढ़ है तो सफलता है ही। कितनों ने जीता है देखो, ये जीते बैठे हैं सभी, 2 बजे से, 1:45 बजे से बैठे हैं। शारीरिक व्याधि है या मेडिसिन का असर है तो आप जानते हैं, कोई बात नहीं। ज्यादा टाइट नहीं होना अपने साथ, जितना हो सकता है उतना करना है, हठ योग भी नहीं करना है, पर निंद्रा के अधीन भी नहीं होना है, दवाई के असर वाले या फिर और शरीर में परेशानी है तो वो ज्यादा हठ योग नहीं करें, जितना हो उससे बढ़ाते चलें। ये डायरेक्शन जो ठीक है सभी, वैसे ही निंद्रा आ रही है जागृति की कमी में,
बहुत कम है, अभी ज्यादातर जाग गए हैं। चलो प्रतिज्ञा करो, जिन्हें नींद आ रही या सेमी नींद आ रही, 6 नंबर वाले भी प्रतिज्ञा करो, कब 9 नंबर पर पहुंचोगे, कब 10 पर पहुंचोगे, प्रतिज्ञा करो। मीठे बाबा, आज अभी आगे बैठूंगी, पूरा आपके पास बैठूंगी, सब भूल कर आपके पास बैठूंगी। करो प्रतिज्ञा सभी। ये 1, 2, 3 नंबर भी कौन चुरा कर ले जा रहा है? पकड़ो उस माया को, खदेड़ो उस माया को। चलिए फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। मीठे बाबा, मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ सच्चे दिल से, अब समय नहीं है, मैं ऑलरेडी टू लेट हो गई हूँ, अब मेरे पास वक्त नहीं है बाबा, अब मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है बाबा। मीठे बाबा, आप मेरे साथ हो, मुझे अब तेज कदम चलना है, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है बाबा, मुझे जल्दी फरिश्ता बनना है, मुझे धर्मराज की सजाएं नहीं खानी है, मुझे जल्दी से विकर्म विनाश करने हैं, मुझे देह और देह की दुनिया से मुक्त होना है बाबा। मीठे बाबा, अब मेरा प्यार सिर्फ आपसे है, अब मेरा किसी में लगाव नहीं, धरती से सारे संबंध तोड़ दिए हैं मैंने, आपकी याद में बचे हुए हिसाब भी चुका दूंगी, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे वापस घर जाना है, मुझे आपका प्यार खींच रहा है, मुझे आपके प्यार की अनुभूति हो रही है, कैसे 84-85 वर्षों से प्यार से हमें सजा रहे हो, कितना हमारा इंतजार कर रहे हो, 51 वर्षों से तो सूक्ष्म लोक में बाहें पसारे हमारा इंतजार कर रहे हो, आपके प्यार का रिटर्न कैसे देंगे, कैसे? अब मेरा मन धरती पर नहीं लगता बाबा, बस आपके पास आने को मन करता है, दिल करता है हो रहा हूं आपके पास।
Thank you.
ध्यान से देखो इन नजरों को। कुछ कह रही है ये हमसे। आसमान के पर्दे के पीछे से आ रही बाबा की आवाज को सुनो। ऐ मेरे लाडले बच्चे, कब आओगे वतन में? मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा अलौकिक पिता, पारलौकिक पिता। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। इक्यावन वर्ष हो गए मुझे इंतजार करते हुए। तुम्हारे लिए ही बैठा हूं मैं बच्चे, कब आओगे? मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम बहुत मीठे हो। परंतु माया की नगरी में उलझ जाते हो। मेरा प्यार तुम्हें खींचता तो है, पर कहीं धरती के बंधन भी खींच रहे हैं। कब तोड़ोगे उन बंधनों को? बच्चे, मेरे मीठे सिक्की लदे बच्चे, मैंने अपना दिल तखत तुम्हारे लिए खुला रखा है। तुम्हें दिल में बिठा लिया है मैंने। मैं हर घड़ी तुम्हें प्यार करता हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं तुम्हें, अपार प्यार करता हूं तुम्हें। पूरे संसार में कोई प्यार नहीं करता इतना तुम्हें, जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम जानते भी हो, फिर भी क्यों धरती के प्यार में उलझ जाते हो? मेरा निमंत्रण है तुम्हें, जितना समय चाहो आकर अव्यक्त में मेरे साथ।
रह सकते हो। मैं 24 घंटे 12 महीने तुम्हें प्यार देने के लिए तैयार हूं। मीठे बच्चे, मेरे रूहानी गुलाब, मेरे नैनों के नूर, मेरे सिर के ताज, मेरे गले के हार, मेरे बच्चे, परम धाम बुला रहा है। जल्दी से अब धरती से निपटाओ अपने कार्य, जल्दी से ऋण चुकाओ। मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए, बस दिल से मुझे कहना, दिल से कहना। बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, मेरे साथी, आओ मदद करो। मैं अपने वायदे में बंधा हुआ हूं। बच्चे, तुम्हारे प्यार की आवाज पर मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हारे बोझ लेने के लिए ही तो आया हूं। बस जाता वहां हूं जहां से दिल की आवाज आती है। मुझे केवल दिल की आवाज सुनाई देती है बच्चे, सच्चे दिल की आवाज। Oh, man.
संसार की सारी बातों से उपराम होना चाहते हो। संसार के हर दुख की अनुभूति से दूर होना चाहते हो। देहधारियों से कर्म बंधन मुक्त होना चाहते हो। डबल लाइट होना चाहते हो। तो भगवान की गोद में उसका नन्हा सा बच्चा बनकर अपनी बुद्धि के सारे अहम छोड़कर उसकी गोद में विश्राम करके देखो। बिल्कुल नन्हा सा बच्चा, अभोद बच्चा, अभोद बन जाओ। भगवान सब कुछ सोचेगा। तुम समझदार बनोगे तो वो साक्षी हो जाएगा। भगवान की गोद में बैठने का सुंदर एहसास करके देखो। हे आत्मन, संपूर्ण चिंता मुक्त, संपूर्ण व्यर्थ मुक्त हो जाओगे। 10 मिनट बाबा की गोद में संपूर्ण समर्पण। मैं बाबा का नन्हा सा बच्चा हूं। वो बच्चा जो खुद कुछ नहीं सोचता, बस बाबा ही सोचता है उसके बारे में।
हूँ तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा। बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा। बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतेंद्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला है। कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतेंद्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार।
ओम शांति। अमृत वेला की वरदानी घड़ियों को प्रभु प्रेम से, शांति प्रेम आनंद के खजानों से, अतिंद्रिय सुख से भरपूर करें हे आत्मन। आत्मा और परमात्मा के मिलन की ये सुंदर घड़ियां हैं। संपूर्ण जागृत होकर बैठे, निंद्रा तंद्रा शून्यता सब पर विजयी बने। सब आंखें खोल कर बैठे, देखो भगवान तुम्हारे द्वार खड़ा है। जो चाहे वो वरदान दे रहा है, महसूस कर लो उसके वरदानों को। वो तुम्हारे सारे बोझ लेने आया है, सब कुछ समर्पण कर दो उसको। चले नशा चढ़ाएंगे, जब भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। पूछो अपने मन से, क्या वो भगवान को पाकर संपूर्ण रूप से टिक गया है, क्या उसने अपनी भागदौड़ समाप्त कर दी है। क्या वो प्रभु प्रेम के नशे में चूर हो गया है। क्या दुनिया के आकर्षणों से दूर हो गया है। हे आत्मन पूछे अपने आप से। और नशा चढ़ाएंगे, मुझे मिल गए भगवान, मुझे मिल गए भगवान, मुझे मिल गए भगवान। दीवाना हो जाना चाहिए उसके प्यार में। पूरे संसार में तुमसे भाग्यवान और कोई नहीं। जिन पर स्वयं भगवान की नजर पड़ी हो, जरा विचार करो, उनसे ज्यादा भाग्यवान और कौन हो सकता है। अपने आप से बात करो, कौन मिला है मुझे। मुझे भगवान मिल गए। 63 जन्मों से जिन्हें खोज रही थी, मुझे भगवान मिल गए। अपने भाग्य के गुणगान गाइए, मुस्कुराइए, आनंद मनाइए। याद करो श्रीमत मीठे बच्चे, तुम्हें कपारी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी खुशी अपरम अपार होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्वयं भगवान मिले हैं। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, भगवान तुम्हें जगाते हैं, भगवान तुम्हें श्रृंगारते हैं। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई और नहीं। इतना लूटो इस खजाने को हे आत्मन, आने वाले समय में जब पूरा संसार जागेगा तो वो तुमसे मांगेगा। तुम्हें लुटाना होगा ये आनंद का खजाना, ये प्रेम का खजाना उन आत्माओं पर। सभी नशे में बैठेंगे, भगवान मिलने के नशे में। और पूछो अपने आप से, भगवान को पाकर और क्या चाहिए, क्या चाहिए और
इच्छा मात्र विद्या हो जाना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाबा मिल गया और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए।
चलिए अब थोड़ी देर मनसा सेवा करेंगे। आज पूरे संसार को आपकी आवश्यकता है। हर घर से, हर मन से दुख, अशांति, चिंता, भय, परेशानी की प्रकंपन निकल रही। तुम्हें सबको शांति देनी है, शीतलता देनी है। तुम भगवान से अपार पा रहे हो। लौटाइए, जी भर के लौटाइए। भगवान के द्वार पर कोई कमी नहीं। तुम दाता के बच्चे, मास्टर दाता, मास्टर भाग्य विधाता हो। तुम्हारे द्वारा अब संसार की अनेक आत्माओं का भाग्य लिखा जाएगा। चलिए सभी बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठें और अपनी मनसा को पूरे ग्लोब के ऊपर एकाग्रित कर दें। शुभ भावना दीजिए पूरे संसार को, जैसे अगरबत्ती की खुशबू जब वायु के साथ मिलती है तो दूर तक बदबू समाप्त कर देती है। हे परम तपस्वी योगी आत्माओं, हे इष्ट देव आत्माओं, तुम्हारे मस्तक से निकलने वाली प्रकंपन महसूस करो। वायुमंडल में घुलती हुई पूरे संसार के वायुमंडल को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, सभी आत्माओं को बदलती जा रही है। तुम्हारी रूहानियत की खुशबू, तुम्हारी पवित्रता की खुशबू इस धरती को स्वर्ग बना रही है। महसूस कीजिए, बदलिए वातावरण को, कीजिए मनसा सेवा। 10 मिनट
Oh,
हे आत्मन, हे तपस्वी, हे योगी, तुम्हारी इस मनसा सेवा में तुम्हें कई गुना फायदा है। देखो, तुम्हारा मस्तक शीतल हुआ जाता है। देखो, तुम्हारा सेवा स्थान, तुम्हारा घर पावन हो रहा है। तुम्हारी इस प्रकंपन से तुम्हारा घर मंदिर बन रहा है। तुम्हारे घर के कण कण में पवित्र प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। निश्चित है द्वापर में यहाँ कोई मंदिर अवश्य बनेगा, क्योंकि जहां भी कोई तपस्वी तपस्या करेगा वो स्थान भक्तों को अवश्य खींचेगा। देखो, तुम्हारे प्रकंपन वायुमंडल बदल रहे हैं, विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं। इस मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ा ले। आने वाला वक्त केवल मनसा सेवा का है। चलिए चेक करेंगे, 10 मिनट 12 मिनट और हमारे पास। बैटरी को फुल्ली चार्ज करके उठना है। पूरे दिन में बहुत सेवा करनी है, सारे संसार को बांटना है, इसलिए फुल्ली चार्ज होकर उठना है। सुनाएंगे अपनी अनुभूति, बताएंगे क्या अनुभव किया। फुल्ली चार्ज, सेमी चार्ज या डिस्चार्ज? दस मिनट और पावर चार्ज पर लगाएं अपने आप को। सभी के मार्क्स 10-10, 9-9 होने चाहिए। फुल्ली चार्ज, भगवान मिला है, क्या मांगता है अभी और हमारा मन? क्यों खुलकर आनंदित नहीं होता है मन? पूछे अपने आप से, नशा चढ़ाएं, क्या भगवान को पाकर नशे में चूर नहीं हो जाना चाहिए हम? पूछे अपने आप को, भगवान को पाने की खुशी के सामने क्या जीवन के कोई दुख मायने रखते हैं? होंगे हिसाब किताब, अवश्य होंगे। तैसे जन्मों के कर्मों के ऋण तो लेंगी आत्माएं, परंतु हे आत्मन, ये तुम्हारा पद्मा पदम सौभाग्य है कि स्वयं भगवान की नजर तुम पर पड़ी है। आसमान से जब उसने झांक कर देखा, उसको तुम नजर आए, तुम्हारी चमक उसको दिखाई दी। जब भगवान को तुम्हारी चमक खींच सकती है, तो विचार करो, तुम साधारण आत्माएं कैसे हो सकती हो? तुम महान आत्मा हो, जिन्हें भगवान को भी जिनकी आवश्यकता पड़ी विश्व परिवर्तन के लिए। तुम स्वयं को साधारण मत सोचिए, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े कार्य होने हैं। उठो हे आत्मन, पूरी तरह से जागो, अपने आप को पहचानो, आए हुए भगवान को पहचानो,
चल रहे समय को पहचानो। सारी दुनिया निराश है, चिंतित है, परेशान है, कौन करेगा उसके दुख दूर? तुम ही तो हो भगवान की उम्मीद, तुमसे ही तो होगी इस संसार की गति और सदगति। उठो, छोड़ो हद के दायरों को, हद की बातों को, तुम मुस्कुराओगे तो जग मुस्कुराएगा। तुम चमको तो जग चमकेगा। सभी परमानंद की स्थिति में बैठिए 5 मिनट। परमानंद, भगवान मिलने का आनंद। स्मृति दिलाएं, डिस्चार्ज बैटरी चार्ज हो जाएगी। भगवान से मांगो नहीं, ये कर दो, वो कर दो, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। जब तक भगवान से धरती की चीजें मांगोगे, पारलौकिक शक्तियों से वंचित रह जाओगे। ये आत्मन देखो उसका प्यार, तुम कैसे हो सकते हो डिस्चार्ज? उसकी सभा में आए हो अमृत वेला की, खाली हाथ नहीं जा सकते। उठो, जागो। ये गीत उन भाई बहनों के लिए जिनका थोड़ा उमंग उत्साह कम है, बाकी सब मनसा सेवा करें। जो फुल्ली चार्ज हैं वो मनसा सेवा करें।
पूरे ब्रह्मांड में ऐलान कर दो, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तुम्हारा संदेश पाकर ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा, सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर आ जाएंगी। हे आत्मन, प्रयोग करके देखो, स्वयं भगवान तुम्हारे द्वार खड़ा है, मदद करने के लिए खड़ा है। केवल तुम्हें संकल्प रचना है हिम्मत का, वो हजार गुना मदद करेगा। चलिए, प्रतिज्ञा करते हुए कि आज अंतर्मुखी रहेंगे, दिन भर आकारी सो निराकारी अभ्यास करेंगे, बार बार बाबा से वायदा करते हुए, अमृत वेले का अनुभव सुनाते हुए विदाई लेंगे आज। आज के अमृत वेला के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया है जो ऐसी अद्भुत सेवा में सभी साथी बने हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।